हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नित्या होम्यो केयर। टुडे वी डिस्कस अबाउट डिसमेनोरिया। सो डिसमेनोरिया बेसिकली इज अ फीमेल प्रॉब्लम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसमेनोरिया मींस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। जब भी पीरियड्स आते हैं उनके साथ बहुत तेज दर्द होना, लोअर एब्डोमिन में बहुत तेज दर्द होता है, पेट की निचली सतह में, साथ में पीठ में भी बहुत दर्द होता है और ये पेन रेडिएटिंग होता है। इसके कुछ मेन कॉज होते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया यानी कि आपके पीरियड शुरू से ही बहुत ज़्यादा पेनफुल आए हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, ये सारी डिसीज़ के साथ ये पेन होता है। आइए जानते हैं अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इस पेन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सो थ्रॉबिंग एंड क्रैम्पिंग पेन्स होते हैं, स्पेशली इन लोअर एब्डोमेन। ये पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत अनबियरेबल कंडीशन में चले जाते हो। डल कॉन्स्टेंट पेन आपको पूरे समय फील होता है, साथ ही साथ आपको लोअर बैक से नीचे रेडिएटिंग पेन होता है जो कि लेग्स की तरफ हो सकता है। ओके, सो दिस वन इज आल्सो यू फील इट, नोजिया लगता है आपको, वॉमिटिंग जैसा लगता है, पूरे समय मितली बनी रहती है, सिर दर्द भी होता है। ये सारे सिम्टम्स डिसमेनोरिया के हैं। यदि आप इससे सफ़र कर रहे हो तो आपको आपके लाइफ स्टाइल में ज़रूर बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ स्टाइल में, आपको डेली एक्सरसाइजेस करना चाहिए, इससे पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प कम होता है। एब्डोमिन मसल्स का मेनली एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइटरी सप्लीमेंट लेने चाहिए। नंबर ऑफ स्टडीज से ये पता चला है कि यदि आप विटामिन ई, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स वगैरह लेते हो, मैग्नीशियम प्रॉपर लेते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना चाहिए। I hope this video is informative for you. Take homeopathic treatment for this. I hope you like it and please subscribe my channel and share video to others. Thank you.